रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबर। महिलाओं के सम्मान के प्रति हरपालपुर थाना परिसर में स्कूली छात्राओं सहित महिला पुलिसकर्मी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिलाई शपथ। तो मौके पर एसडीओपी ने बैठक कर छात्राओं की सुनी समस्याएं, तत्काल निराकरण के लिए टीआई याकूब खान को दिए निर्देश। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो हरपालपुर थाना परिसर में महिलाओं के सम्मान के प्रति शपथ दिलाई गई है और एक बैठक का आयोजन किया गया है छतरपुर में, जहां प्रदेश में महिला जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब जमीनी स्तर पर पुलिस प्रशासन स्कूली छात्राओं व महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य रहा है आमजन व स्कूली छात्रा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित महिला पुलिसकर्मी के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा को लेकर संदेश दिया गया है। हरपालपुर थाना परिसर में शुक्रवार को 4 बजे के लगभग महिला जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें अतिथि के रूप में नौगांव एसडीओपी कमल कुमार जैन के द्वारा बैठक का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा उपस्थित रही हैं। तो पुलिस ने अपने मोबाइल नंबर देते हुए छात्राओं से कहा है, अगर कोई भी परेशानी होती है तो फौरन पुलिस को बताएं, क्योंकि पुलिस आपकी सेवा में हर संभव मदद करेगी। टीआई याकूब खान ने कहा स्पष्ट शब्दों में कि मनचलों से सावधान रहें, यदि किसी बेटी के सम्मान में गुस्ताखी की जाती है तो ऐसे मनचलों की जगह जेल में है। कोई भी महिला या छात्रा यदि कोई भी परेशानी महसूस करती है तो वह पुलिस को बिना झिझक मदद ले सकती है। मध्य प्रदेश पुलिस हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर है। इसी क्रम में कुछ छात्राओं ने एसडीओपी कमल कुमार जैन को बताया है, कुछ गांव के लोगों के कहने पर मेरे परिवार के लोग मुझे पढ़ा नहीं रहे हैं और शादी करवाने में जुटे हुए हैं, अभी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और वह नाबालिग भी है। तो दूसरी छात्रा ग्राम कुकरेल की बच्ची ने बताया है, मेरे घर के लोग पढ़ाई बंद करवा कर शादी करवा रहे हैं, मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूं और आपके जैसे देश की नौकरी करना चाहती हूं। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी कमल कुमार जैन ने टीआई याकूब खान को निर्देशित देते हुए कहा है, गांव में जाकर परिजनों को समझाने की बात कही है और जागरूकता करके परिवार के लोगों को समझाइश दी जाए। और वहीं टीआई खान ने बताया कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसी कार्यक्रम को देखते हुए एसडीओपी कमल कुमार जैन, टीआई याकूब खान और महिला आरक्षक रीना पटेल और रजनी विश्वकर्मा, पूर्व पार्षद विष्णु राय, कैलाश द्विवेदी, मलखान कोरी एवं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता व स्कूल स्टाफ मौजूद रहा है। सर, आज आप लोगों के द्वारा बैठक हुई हरपालपुर थाना परिसर में, बच्चों को जागरूकता अभियान चलाया गया है, सर किस संबंध में चलाया गया है? सर, बच्चियों की सुरक्षा जी, बच्चियों को जागरूक करना जी, इसके संबंध में जी, यहाँ के बच्चियों को थाने पे बुलाया गया है जी, उनका सम्मान किया गया है जी, उनको इस संबंध में जो भी छोटे छोटे जी बताया। सर, बच्चियों ने कई आप लोगों से मांग भी की है कि जैसे मान के चलो कि बच्चियां की एक विवाह हो जाती है कम उम्र में, तो सर इस संबंध में आप कैसे इन पर लगाम लगाएंगे? सर, उनके परिवार वालों को समझाएंगे जी, जो भी हमारे पास जहां तक खबरें आएंगी जी, उनके परिवार वालों को समझाएंगे और उनको नौकरी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद सर।